दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की किस्मत बुलंद होती दिख रही है। बीजेपी की आंतरिक सर्वे के मुताबिक दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 30 से 35 सीटें मिलती दिख रही है। बीजेपी को CAA के खिलाफ शाहीन बाग में हो रहे प्रदर्शन का फायदा मिल सकता है, पार्टी सूत्रों ने यह जानकारी दी है। दो नेताओं ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सीटों में होने वाले इजाफों में से एक मुख्य कारण शाहीन बाग प्रदर्शन है, जिसके खिलाफ में बीजेपी लगातार आवाज बुलंद कर रही है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ 40 दिनों से अधिक समय से शाहीन बाग में प्रदर्शन हो रहा है। इस कारण से कालिंदी कुंज शाहीन बाग सड़क 15 दिसंबर से बंद है। लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शाहीन बाग और देश के अलग अलग इलाकों में हो रहे विरोध प्रदर्शन से एक तरह से बीजेपी को फायदा हो रहा है। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जाएगी, बीजेपी के आंकड़ों में और भी ज्यादा इजाफा देखने को मिल सकता है। 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी महज 3 सीटें जीती थी, जबकि आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिली थी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा है कि यह सच है कि हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। लोगों ने शाहीन बाग को लेकर अपनी मानसिकता जाहिर की है। मनीष सिसोदिया के बयान, हम और हमारी पार्टी शाहीन बाग के साथ खड़ा है, ने हमारी मदद की है। मनोज तिवारी की बात का समर्थन करते हुए दक्षिणी दिल्ली से सांसद रमेश भिधोड़ी ने कहा कि शाहीन बाग के प्रदर्शन और आम आदमी पार्टी की विफलताओं से हमें फायदा मिलता दिख रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा विध्वंसकारक तत्वों को उजागर करने और आम आदमी पार्टी सरकार की विफलताओं को लोगों के सामने रखने के लिए अभियान चला रही है। शाहीन बाग से हमें इससे मदद मिली है। उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि एंटी शाहीन बाग सेंटीमेंट हमारे पक्ष में काम किया है, लेकिन यह भी काम किया है कि हम लोगों को बताने में सक्षम रहे हैं कि मोदी सरकार द्वारा लाई गई आयुष्मान भारत चिकित्सा बीमा योजना को आप सरकार ने दिल्ली में लागू नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि हमारा यह आंकड़ा सीटों की संख्या और बढ़ेगा और हम अगले 3 या 4 दिनों में आम आदमी पार्टी को पछाड़ देंगे। बीजेपी इस मोमेंटम को बरकरार रखने की पूरी कोशिश कर रही है। सभी सांसदों को एक नोट भेजा गया है, जिसके मुताबिक उन्हें संसद के पहले सत्र में समय बिताने के लिए कहा गया है और दोपहर 3 बजे के बाद राजधानी के क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के लिए कहा गया है। खासकर बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के सांसदों से कहा गया है, जिनका दिल्ली में वोट बेस बेहतर है। आम आदमी पार्टी ने HT ने कहा कि वह किसी अन्य पार्टी के आंतरिक सर्वेक्षण पर टिप्पणी नहीं करेंगे। बता दें कि दिल्ली में 8 फरवरी को वोटिंग है और 11 फरवरी को नतीजे आएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक रैली के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेता अनुराग ठाकुर के कथित देश के गद्दारों को गोली मारो वाले नारे पर ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन चीफ असुद्दीन ओवैसी ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मैं अनुराग ठाकुर को चैलेंज करता हूं कि वह भारत में एक जगह तय करे जहां वह मुझे गोली मारेंगे, मैं आने के लिए तैयार हूं। ओवैसी ने अनुराग ठाकुर को जवाब देते हुए आगे कहा कि आपका यह बयान मेरे दिल में कोई डर पैदा नहीं करेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में मेरी माताएं और बहनें सड़कों पर आ गई हैं। उन्होंने देश को बचाने का निर्णय कर लिया है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर की रैली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विवादित नारे लगते सुनाई दे रहे हैं। वीडियो में अनुराग ठाकुर मंच से नारे बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं कि देश के गद्दारों को, इसके बाद मंच के नीचे मौजूद लोग गोली मारो बोलते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की रैली के इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस ने भी निशाना साधा है। साथ ही चुनाव आयोग ने मंगलवार को उन्हें नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने इस पर अनुराग ठाकुर से सफाई मांगी है। जानकारी के अनुसार केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर सोमवार को दिल्ली के एक विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जनता से भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए JNU के उन छात्रों का उदाहरण रखा जो कि सैनिकों के शहीद होने पर JNU में आतंकवादियों को शहीद बताकर जश्न मनाते हैं। निर्भया गैंग रेप यानी निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में दोषी मुकेश कुमार सिंह की दया याचिका खारिज करने के राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। बता दें कि निर्भया के दोषी मुकेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई पूरी कर ली और फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली में 2012 में हुए इस जघन्य अपराध के लिए 4 मुजरिमों को अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। इन दोषियों में से एक मुकेश की दया याचिका राष्ट्रपति ने 17 जनवरी को खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ इस दोषी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस.ए. बोपन्ना की पीठ ने इस याचिका पर मुकेश कुमार सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश और केंद्र की ओर से सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनने के बाद कहा कि इस पर निर्णय बुधवार को सुनाया जाएगा। केंद्र ने मुकेश कुमार सिंह की याचिका खारिज करने का अनुरोध करते हुए पीठ से कहा कि इस तरह के जघन्य अपराध करने वाले के साथ जेल में दुर्व्यवहार दया का आधार नहीं हो सकता है। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस आरोप
आरोप को गलत बताया कि दोषी मुकेश कुमार सिंह को जेल में एकांत में रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने इस दोषी की दया याचिका के साथ सारा रिकॉर्ड राष्ट्रपति के पास भेजा था। मेहता ने कहा कि इस तरह के मामलों में न्यायिक समीक्षा का शीर्ष अदालत का अधिकार बहुत ही सीमित है और दोषी की दया याचिका पर फैसले में विलम्ब का अमानुषिक असर पड़ सकता है। सॉलिसिटर जनरल ने पीठ से कहा कि राष्ट्रपति को दया के बारे में खुद को आश्वस्त करना होता है और प्रत्येक प्रक्रिया को नहीं देखना होता। इससे पहले दोषी मुकेश कुमार सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश ने दावा किया कि उसकी दया याचिका पर विचार के समय राष्ट्रपति के समक्ष सारे तथ्य नहीं रखे गए। इस पर पीठ ने मुकेश के वकील से सवाल किया कि वह यह दावा कैसे कर सकती है कि राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका पर विचार के समय सारे तथ्य नहीं रखे गए थे। पीठ ने सवाल किया कि आप कैसे कह सकती है कि ये तथ्य राष्ट्रपति महोदय के समक्ष नहीं रखे गए थे, आप यह कैसे कह सकती है कि राष्ट्रपति ने सही तरीके से विचार नहीं किया। दोषी के वकील ने जब यह कहा कि राष्ट्रपति के समक्ष सारे तथ्य नहीं रखे गए थे तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि राष्ट्रपति के समक्ष सारा रिकॉर्ड साक्ष्य और फैसला पेश किया गया था। मुकेश कुमार सिंह ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति द्वारा उसकी दया याचिका अस्वीकार करने में प्रक्रियागत खामियां हैं और उसके मामले में विचार करते समय उसे एकांत में रखने सहित कतिपय परिस्थितियों और प्रक्रियागत खामियों को नजरअंदाज किया गया। मुकेश कुमार सिंह दया याचिका खारिज होने के बाद ही अदालत ने चारों मुजरिमों मुकेश, पवन गुप्ता, विनय कुमार शर्मा और अक्षय कुमार को 1 फरवरी को सुबह 6 बजे मृत्यु होने तक फांसी पर लटकाने के लिए आवश्यक वारंट जारी किए थे। इससे पहले अदालत ने चारों दोषियों को 22 जनवरी को फांसी देने के लिए वारंट जारी किए थे। 23 वर्षीय निर्भया से दक्षिण दिल्ली में चलती बस में 16 से 17 दिसंबर 2012 की रात 6 व्यक्तियों ने सामूहिक बलात्कार के बाद उसे बुरी तरह जख्मी हालत में सड़क पर फेंक दिया था। निर्भया का बाद में 29 दिसंबर को सिंगापुर के एक अस्पताल में निधन हो गया था। चीन में कोरोना वायरस और भी घातक होता जा रहा है। कोरोना वायरस से अब तक मरने वालों की संख्या 131 हो गई है। कोरोना वायरस के कहर के बीच बुधवार को सेंट्रल हुबेई प्रांत में अधिकारियों ने 25 घातक और 840 नए मामलों की रिपोर्ट दी है। बता दें कि तिब्बत को छोड़ के चीन के सभी प्रांतों में कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं, जिससे स्वास्थ्य अधिकारियों के समक्ष इससे निपटने में बड़ी चुनौती पेश आ रही है। चीन की केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक कोरोना वायरस के 5300 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। बता दें कि जापान ने अपने 200 नागरिकों को शहर से एयरलिफ्ट किया और अमेरिका ने लगभग 240 अमेरिकियों को हवाई मार्ग से बाहर निकाल लिया है। वहीं भारत सरकार ने भी अपने लोगों को वहां से निकालने की बात कही है। बता दें कि कोरोना वायरस का केंद्र चीन का शहर वुहान ही है। दरअसल कोरोना वायरस की वजह से वुहान और उसके आसपास के इलाकों में करीब 50 मिलियन लोगों को लॉकडाउन करके रखा गया है। अगले आदेश तक बिना किसी आवश्यक कार्य के और अनुमति के वह शहर से बाहर नहीं जा सकते। चीनी सरकार ने पहले ही वुहान और हुबेई प्रांत के अन्य शहरों में आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगा दी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंगलवार को कहा था कि देश खतरनाक कोरोना वायरस से लड़ रहा है और इस बीमारी पर लगाम कसने के लिए सरकार पूरी तरह पारदर्शिता बरतेगी। शी ने कहा कि यह महामारी विकराल है और इसे हम छिपा नहीं सकते। उन्होंने संकल्प जताया कि सरकार पारदर्शिता बरतेगी और विषाणु के बारे में सूचना समय पर जारी करेगी। सरकारी मीडिया के मुताबिक विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख के साथ बीजिंग में बैठक के दौरान शी ने यह टिप्पणी की। कई देश संक्रमण के केंद्र वुहान से अपने नागरिकों को निकालने की तैयारी कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख त्रेदोस अधनोम घेब्रेयेसस ने मंगलवार को बीजिंग को आश्वासन दिया कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में हर संभव मदद करेंगे। उन्होंने विश्व समुदाय से कहा कि शांत रहे और महामारी के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दे, जिससे चीन में 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। चीन में कोरोना वायरस की चपेट में आने से 130 से ज्यादा लोगों की मौत और इससे जुड़े मामलों के लगातार बढ़ने के बीच भारत इस बीमारी के केंद्र वुहान से भारतीयों को निकालने की योजना बना रहा है। वहां फंसे अधिकांश भारतीय छात्र हैं। इस बीच हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि देश में अब तक कोरोना वायरस के एक भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। अयोध्या के मंदिर मस्जिद की जमीन के मालिकाना हक के विवाद पर पिछले साल 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर अमल की घड़ी नजदीक आती दिख रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश की सर्वोच्च अदालत के आदेश पर अमल करते हुए अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अगले एक सप्ताह के भीतर ट्रस्ट गठित करने पर तेजी से कार्यवाही शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार यह ट्रस्ट अयोध्या में राम मंदिर बनाने के तौर तरीके तय करेगा। नई दिल्ली ब्यूरो के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट के गठन और मस्जिद
के लिए जमीन देने की पेशकश की एक सप्ताह के भीतर घोषणा किए जाने की संभावना है। मामले से जुड़े अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मुद्दे का निपटारा करते हुए ट्रस्ट के गठन और मस्जिद के लिए जमीन देने का निर्णय किया था। गृह मंत्रालय ने राम मंदिर निर्माण के वास्ते ट्रस्ट बनाने के लिए एक आधारभूत ढांचा तैयार किया है और उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाने वाली जमीन की पहचान की है। समूचा प्रस्ताव मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिलने के बाद ट्रस्ट निर्माण की घोषणा और मस्जिद के लिए 5 एकड़ का प्लॉट देने की पेशकश संभवतः 1 हफ्ते के भीतर की जाएगी। उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड को 3 प्लॉट की पेशकश की जाएगी जिससे कि वह कोई एक उपयुक्त प्लॉट चुन सके। शीर्ष अदालत ने 9 नवंबर 2019 के निर्णय में अयोध्या में ट्रस्ट के माध्यम से संबंधित स्थल पर राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया था और केंद्र को निर्देश दिया था कि वह सुन्नी वक्फ बोर्ड को नई मस्जिद के निर्माण के लिए अयोध्या में 5 एकड़ का प्लॉट दे। शीर्ष अदालत ने कहा था कि मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन 3 महीने के भीतर होना चाहिए। यह मियाद 9 फरवरी को पूरी हो रही है। 2 अप्रैल को रामनवमी पड़ रही है। तैयारी कुछ इस तरह से की जा रही है कि रामनवमी के अवसर पर राम जन्मभूमि पर मंदिर का शिलान्यास एक भव्य समारोह में किया जाए। अयोध्या के संत समाज का दावा है कि अयोध्या में राम मंदिर के लिए प्रस्तावित ट्रस्ट गुजरात के सोमनाथ मंदिर और जम्मू के वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का मिला जुला रूप होगा। सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट में तो 6 ही सदस्य हैं, मगर अयोध्या के ट्रस्ट में यह संख्या बढ़ाई जा सकती है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी, दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।